वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉटन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन इज़ गॉसिपियम स्पीसीज। बॉटनिकल नेम क्या है कॉटन का? गॉसिपियम स्पीसीज। ठीक है, फैमिली ऑफ कॉटन इज मालवेसी। किस में आता है ये, कौन से फैमिली में? मालवेसी में। गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम आर देसी कॉटन। ठीक है, ये जो दोनों स्पीसीज हैं कॉटन के, ये हैं देसी कॉटन। ठीक है, अर्बोरियम और हर्बेसियम। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर इन गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम आर 2n इज इक्वल टू 26, दैट इज डिप्लॉयड। है ना, ये दोनों जो देसी कॉटन है वो डिप्लॉयड है ना, 26 है इसका क्रोमोसोम नंबर। फिर देखते हैं गॉसिपियम बारबेडेंस आर नोन एज सी आइलिन कॉटन। ठीक, गॉसिपियम जो बारबेडेंस है उसको सी आइलिन कॉटन बोलते हैं। गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम बारबेडेंस आर टेट्राप्लॉयड। ठीक है, ये टेट्राप्लॉयड रहता है, 2n इज इक्वल टू 52 क्रोमोसोम नंबर है। नेक्स्ट है अमेरिकन कॉटन इज गॉसिपियम हिरसुटम। है ना, अमेरिकन जो कॉटन है वो है गॉसिपियम हिरसुटम। हाईएस्ट फाइबर लेंथ इज इन गॉसिपियम बारबेडेंस। है ना, सबसे ज़्यादा फाइबर लेंथ किस में रहता है? गॉसिपियम बारबेडेंस में। कॉटन इज आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड और किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। ठीक है, वाइट गोल्ड भी कहते हैं इसको और अप्रेजल फाइबर भी बोलते हैं, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी बोलते हैं कॉटन को। नेक्स्ट है कल्टीवेटेड कॉटन इज एनुअल। जो कॉटन बोते हैं वो एनुअल नेचर का रहता है। ठीक है, एक साल का रहता है, साल में एक बार ही देता है ना, ये हो गया एनुअल। कलर ऑफ देसी कॉटन इज डल और ब्राउन। जो देसी कॉटन है उसका कलर डल रहता है और ब्राउन कलर का रहता है। अमेरिकन कॉटन फाइबर हैज़ कलर, और जो अमेरिकन कॉटन उसका कलर रहता है क्रीमी वाइट। ठीक है, विच क्रॉप इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट डीप रूटेड एंड टेप रूट सिस्टम। कौन सा क्रॉप है जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है? वो है कॉटन। ठीक है, इसका रूट डीप रहता है और टेप रूट सिस्टम रहता है। ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड वेरीज फ्रॉम 14.5 टू 25.6%। है ना, ऑयल कंटेंट कितना रहता है? 14.5 से 25.6% तक रहता है कॉटन में। है ना, द प्रोटीन कंटेंट इन कॉटन सीड इज 20%। है ना, प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है? 20% कॉटन सीड में। फिर देखते हैं लीन परसेंट इन कॉटन सीड इज 33%। है ना, लीन परसेंट रहता है 33%। नेक्स्ट है टॉक्सिक पिगमेंट फिनॉल कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड इज गॉसिपॉल। कौन सा टॉक्सिक पिगमेंट रहता है कॉटन सीड में? वो है गॉसिपॉल। द लॉन्ग आउटग्रोथ ऑफ कॉटन फॉर्म्स इज स्टेपल और लिंट। है ना, जो लॉन्ग आउटग्रोथ है उसको स्टेपल बोलते हैं या लिंट बोलते हैं। द शॉर्टर आउटग्रोथ ऑफ कॉटन फॉर्म्स इज फज। है ना, जो शॉर्टर फॉर्म रहता है उसको फज बोलते हैं। ये देखते हैं वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन इज 170 kg। ठीक है, वन बेल ऑफ कॉटन का वेट रहता है 170 kg। कॉटन इज हाईली सेंसिटिव टू 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट। ये दोनों हर्बिसाइड के लिए हाईली सेंसिटिव रहता है कॉटन। ठीक है, 2,4-D और ग्लाइफोसेट। कॉमन वीडिसाइड यूज इन कॉटन इज डाइयूरॉन। ठीक है, कॉमनली डाइयूरॉन को यूज़ करते हैं वीडिसाइड के रूप में। फिर है विच इज 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन सीड। कौन सा है? यह है जीन TFDA। है ना, जीन TFDA है जो 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन जीन है। ठीक, द अपेयरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड इन कॉटन इज नोन एज स्क्वायर। है ना, जो फ्लावर बर्ड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नोन एज गिनिंग। सीड कॉटन से फाइबर निकालने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट
इन कॉटन इज कॉटन सीड, है ना। सीड कॉटन सीड क्या है, जो लिंट निकालने के बाद जो कॉटन है वो है कॉटन सीड, ठीक है। कॉमनली सीड एंड लिंट इज नोन एज सीड कॉटन। और जो कॉमन जो कॉम अगर सीड और लिंट दोनों एक साथ है तो उसको सीड कॉटन बोलेंगे, ठीक। द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन इज ब्लैक सॉइल। बेस्ट सॉइल कौन सा है कॉटन कल्टिवेशन के लिए, ये है ब्लैक सॉइल। फाइबर लेंथ एंड फाइबर फाइननेस इन कॉटन आर जेनेटिक ट्रेट्स। ये जो दोनों ट्रेट है फाइबर लेंथ और फाइबर फाइननेस, ये जेनेटिक है ना, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स है। फाइबर मेच्योरिटी इन कॉटन इज मेजर्ड बाई एरियलोमीटर, ठीक है। फाइबर मेच्योरिटी किससे मीचर करते हैं, एरियलोमीटर से। फिर है फाइबर थिकनेस इन कॉटन इज मेजर्ड बाई नेपिनेस। फाइबर थिकनेस को कैसे नापते हैं, नेपिनेस। स्पिनिंग परफॉर्मेंस इन कॉटन इज मेजर्ड बाई नंबर ऑफ काउंट्स, ठीक। स्पिनिंग परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ काउंट्स। स्टेपल लेंथ एंड फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाई हेलो मेजरमेंट मेथड। स्टेपल लेंथ और फाइबर लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, कौन से मेथड से, यह है हेलो मेजरमेंट मेथड से, ठीक है। स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाई प्रेसले स्ट्रेंथ टेस्टर और स्टेलोमीटर। स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं, स्टेलोमीटर से या प्रेसले स्ट्रेंथ टेस्टर से, ठीक। फिर देखते हैं डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज इन द फाइबर और थिकनिंग ऑफ इट्स सेल वॉल इज मेच्योरिटी कैसे देखेंगे। जो डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज इन द फाइबर, मतलब जो फाइबर में सेलुलोज बनता है उससे, और थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, ये दोनों मेच्योरिटी को पहचान कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेटिंग फाइबर विथ 18% कास्टिक सोडा एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप इज मेच्योरिटी टेस्ट। मेच्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं, ट्रीट करते हैं फाइबर को 18% कास्टिक सोडा से और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये जो इस प्रकार से मेच्योरिटी टेस्ट करते हैं। फिर है शॉर्ट फाइबर रिमेन अटैच्ड टू सीड आफ्टर गिनिंग इज नोन एज टिंटर, ठीक। जो शॉर्ट फाइबर जो अटैच रहता है गिनिंग करने के बाद उसको बोलते हैं टिंटर। इफ़ फाइबर एवरेज वेट इज़ बिलो 3 माइक्रोग्राम देन इट इज़ कॉल्ड एज वेरी फाइन फाइबर। वेरी फाइन फाइबर कब रहेगा कहेंगे, जब ये 3 माइक्रोग्राम से कम रहेगा तब, ठीक है। जो फाइबर वेट है तो इसको बोलेंगे वेरी फाइन फाइबर। फिर देखते हैं फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वेन ब्रेकिंग पॉइंट इज मोर देन 95 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। फाइबर कब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जब ब्रेकिंग पॉइंट है वो 95 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, तो ये कहलाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन इज़ 80 to 90 cm, ठीक है। 80 to 90 cm वाटर रिक्वायरमेंट रहता है कॉटन का। नंबर ऑफ काउंट्स इन इंडियन कॉटन इज़ 22 counts, ठीक है। नंबर ऑफ काउंट्स कितना है, 22 counts है इंडियन कॉटन में। नंबर ऑफ काउंट्स रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट क्वालिटी कॉटन इज 80 to 400 counts। बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉटन के लिए कितना काउंट्स होना चाहिए, 80 से 400 counts तक, ठीक। विच इज एन इलांगेशन आउट ग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कॉट। कौन क्या है, ये है कॉटन फाइबर, है ना। कॉटन फाइबर क्या है, इलांगेशन या आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कॉट, ठीक है। सीड कोट का इलांगेशन होना या आउटग्रोथ, है ना, सीड कोट के एपिडर्मल सेल में, तो ये कहलाएगा कॉटन फाइबर। नंबर ऑफ फाइबर्स इन वन सीड इज कितना है, 60,000 to 80,000 फाइबर्स, है ना। वन सीड में कितना फाइबर हो सकता है, 60,000 से 80,000 फाइबर। जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ कॉटन फॉर फाइबर क्वालिटी क्या है, फाइबर लेंथ है, फाइबर फाइननेस, ये दोनों जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स है ना फाइबर के। फिर देखते हैं हाउ मेनी कॉटन स्पीसीज आर कल्टीवेटेड आउट ऑफ 20 species, कितने कॉटन स्पीसीज को कल्टीवेट करते हैं टोटल 20 में से, तो है ओनली 4, है ना, 4 जो स्पीसीज है उसको कल्टीवेटेड कल्टीवेशन करते हैं।
Which is the only country in the world where all four species of cotton are grown on commercial scale besides hybrid? है ना, कौन सा देश है जिसमें जो चारों कल्टीवेटेड वैरायटी को ग्रो करते हैं कमर्शियल स्केल से? तो वो है इंडिया। ठीक है, फिर है हाइब्रिड एरिया ऑफ कॉटन आउट ऑफ टोटल एरिया इज 40%। हाइब्रिड एरिया कितना है टोटल कॉटन एरिया में? 40% एरिया हाइब्रिड एरिया है। ठीक है, गॉसिपियम हिरसुटम एरिया इज 36%, है ना, गॉसिपियम हिरसुटम का एरिया कितना है? 36%। और गॉसिपियम अर्बोरियम का एरिया कितना है? 16%। ठीक है, गॉसिपियम अर्बोरियम का 16% है। ठीक है दोस्तों, और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।